Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn more about fossil fuels. The fossil fuels आपको पता है कौन-कौन से हैं? Coal, petroleum and natural gas, right? तो इनके बारे में और हम समझेंगे. जैसे पहले आता है coal. तो coal की composition क्या है? ठीक है? और ये किन-किन यूज़ों में आता है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. तो पहला आता है coal. Coal है क्या? इसे हिंदी में बोलते हैं हम कोयला, okay? It is a complex mixture of mainly compounds of carbon, hydrogen and oxygen. So mainly iski composition mein kya milega aapko? Compounds of carbon, hydrogen and oxygen. Theek hai? So ye iska main composition hua. Iske alawa, it also contains free carbon, nitrogen and sulfur compounds in small amount. Iske alawa, isme free carbon bhi small amount mein hoga. नाइट्रोजन एंड सल्फर के कंपाउंड्स भी इसमें पाए जाते हैं. मेनली लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं. मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है. ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये इमेज जो है वो कोल की है. इसे हम हिंदी में कोयला कहते हैं. ठीक है? तो मेन कंपोजिशन अगर इसकी हम बोले तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके. Coal on burning gives out a lot of heat, so it is a good fuel, but it produces a lot of smoke which pollutes the air. अगर हम calorific value के basis पे देखें, तो coal जो है large amount of heat energy release करता है on burning. तो इसे हमें good fuel कहना चाहिए, लेकिन ये lot of smoke भी produce करता है और air को pollute करता है. तो इसको as a fuel use करना कम करना चाहिए. ठीक है? एनवायरमेंट की परस्पेक्टिव से हम बोल रहे हैं कि इसका यूज ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है. ठीक है? अब इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस ऑफ कोल. कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पसेस इन होम्स एंड इंडस्ट्री. घरों में भी ये यूज होता है. कई बार सिगड़ी होता है ना, सिगड़ी में कोयले को डाल के जलाया जाता है और इसको अंगीठी के रूप में यूज किया जाता है, या फूड प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में तो ये कोल यूज होता ही है. ठीक है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, जो कि मतलब हीट एनर्जी पे बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें कोल को मेनली जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. तो मेजर अगर इंडिया में हम कहें तो मेजर जो है वो थर्मल पावर स्टेशन ही हैं, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं. ठीक है? तो इसका मतलब मैक्सिमम जो कोयला है वो वहीं पे यूज होता है. ठीक है? देन इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक कोक, विच इज एन एक्सलेंट एंड पोल्यूशन फ्री फ्यूल. अब जो कोल है उसको डायरेक्टली अगर बर्न करते हैं तो वो क्या करता है? लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है. तो क्या किया जाता है? कोल के थ्रू कोक को प्रोड्यूस किया जाता है. कैसे? कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर क्या करते हैं? हम बर्न करते हैं. इन एब्सेंस ऑफ एयर जब बर्न करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो कहलाता है कोक. और कोक को जब हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो वो एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है, और उसमें से कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. तो ये थे डिफरेंट यूजेस ऑफ कोल. ठीक है?